स्टूडेंट्स, रिकंस्ट्रक्शन मीन्स क्या? पार्टनरशिप को फिर से बनाना। तो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग रेशियोज चेंज करते हैं इन बिटवीन द पार्टनर्स, तब रिकंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सम नंबर 10, उसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, मीन्स इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हुए हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जब चेंज होते हैं, तब पूरा जो बिजनेस का असेट्स और लाइबिलिटीज होती है उसको वाइंड अप करते हैं और उसका रिवैल्यूएशन करते हैं, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उनको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, फिर से नया टर्म नया रेशियो। ओके, सो इसीलिए ये जो पुराना वाला जो है वो हम समेट लेते हैं। तो यहाँ पर एक सम दिया गया है 10 नंबर सम, उसके अंदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स दी गई है, तो उसके थ्रू हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर है रीडिंग द सम, राजेश पुष्पा एंड प्रतिभा आर द पार्टनर ऑफ द श्रीनाथजी ज्वेलर्स पार्टनरशिप फर्म। ओके, सो यहाँ तीन पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 3:2:1, उनका रेशियो पुराना जो है वो 3:2:1 है। देयर फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017 इज एज अंडर, तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट दी गई है, पुरानी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज असेट्स उसके अंदर कैपिटल दी गई है, राजेश पुष्पा एंड प्रतिभा कैपिटल दी गई है, नॉन करंट लाइबिलिटीज उसके अंदर 10% लोन बैंक लोन दी गई है, देन बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, वर्कर्स, प्रॉफिट शेयरिंग फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये सब लाइबिलिटीज है, मीन्स ये जिम्मेदारी है जो पार्टनर्स को अदा करनी है। उसके साथ असेट्स देख लेते हैं, नॉन करंट असेट्स के अंदर है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, करंट लाइबिलिटीज के अंदर है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इनकम रिसीवेबल्स और दोनों सेक्टर टोटल। तो ये सब हम बैलेंस शीट जब भी सम सॉल्व करें तो हमें सब पूरा पूरा पढ़ना चाहिए, देन ओनली वी हैव टू गिव द इफेक्ट्स ऑफ दैट। देन आफ्टर टर्म एज एंड एबो डेट ऑफ द बैलेंस शीट पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 1:1:1, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये पुराना रेशियो है उनका 2:3:1, वो चेंज करके उन्होंने 1:1:1 रखना है। तो उसके लिए क्या करना, ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर व्हिच इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, तो उनके जो असेट्स और लायबिलिटीज है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,80,000, तो यहाँ पर लैंड की वैल्यू है 1,80,000 दैट हैव टू बी इंक्रीज्ड अप टू 2,50,000, तो यहाँ पर 2,50,000 करने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट हैव टू बी इंक्रीज्ड अप टू 70,000, यहाँ पर 70,000 तक इंक्रीज करेंगे तो ही आपका 2,50,000 आएगा। मीन्स हमारा जो लैंड था 1,80,000 मार्केट में बेचने जाते हैं तो उसकी वैल्यू 2,50,000 होती है, तो कितना बेनिफिट मिला, यहाँ पर 70,000 का बेनिफिट मिला, सो दैट इज ऑफ बेनिफिट। देन नेक्स्ट इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000, यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है 3 लैक्स, के अंदर 50,000 इंक्रीज बाय 50,000, तो इंक्रीज हो रही है 50,000, तो अल्टीमेटली बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 3,50,000। The next, the value of machine is to be decreased up to 80,000. Machine 1,20,000 है, 1,20,000. अब उसकी value decrease हुई है 80,000 तक, तो यहाँ पर answer दिया गया है 80,000. यहाँ पर language को खास ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया गया द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 80,000,
80,000 तक घट गई है, वैल्यू हैव टू डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पर मशीन जो था हमारे बुक के अंदर 1,20,000 वैल्यू है, और उस मशीन को हम जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो 80,000 का हमें मिलता है। सो दैट इज अ लॉस। तो ये लॉस हमें कितने का पड़ा है, 40,000। ओके, सो दैट हैव टू डिक्रीज। तो ये बेनिफिट हुआ 50,000 का, और ये हुआ लॉस। द नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड 30%। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं 40,000, इन्वेस्टमेंट हमारे 40,000 है, और बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस वैल्यू इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%। 30% डिक्रीज हो रहा है, 30% का मतलब हो रहा है 10% निकालते तो एक जीरो निकालते हैं, तो 10% होता है, ओके 4,000 होता है 10%, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 30% हो जाएगा, तो 4 3 12 12,000 हुआ। ओके, तो दैट इज अ क्लियर कैलकुलेशन, दैट इज अ 12,000 डिक्रीज हो रहा है हमारा। So that is of investment. Then afterwards, provision for bad debt reserve at 20% and discount reserve 5% is to be made on the debtors. So यहाँ पर debtors दिए गए हमारे 15,000, और ये भी loss हुआ है हमारा, 15,000 के debtors है हमारे जिसके पास से पैसे लेने हैं। अब यहाँ पर bad debt reserve रखना है 20%, 20% reserve हमें साइड में रख देना है। That is a bad debt reserve. Bad debt reserve रखना है 20%. So that is of 50,000 का 10% means कितना हुआ 5,000, और उसका डबल करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। So that is of 10,000. 20% 10,000 होता है. So that has to be subtract 40,000. देन आफ्टर अवर्स बोला है 5% इज टू बी मेड एज अ डिस्काउंट रिजर्व, और 5% डिस्काउंट रिजर्व 10% मीन्स 4,000 उसका हाफ करना है, 10% का हाफ 5% हुआ तो 10% मीन्स 4,000 है, तो 4,000 का भी हाफ करेंगे तो हमें 2,000 मिलेगा। सो दैट 2,000 इज ऑफ 5%, 38,000 हमारे डेटर्स हो गए हैं। दैट इज ऑल्सो लॉस, दैट इज ऑल्सो लॉस। द नेक्स्ट, द स्टॉक वैल्यू ऑफ 15,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। यहाँ पर हमारा स्टॉक दिया गया है 35,000, इसमें से स्टॉक ऑफ 15,000 का स्टॉक और बाकी का 20,000 का स्टॉक। अब इसमें से स्टॉक 15,000 का है, उसमें से बोला है कि दैट हैव टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, 10% इज 1,500, ओके, और उसका डबल करेंगे तो 3,000, दैट इज ऑफ 20% रिड्यूस हो रहा है 12,000, और ये सो दैट वन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ये डिक्रीज हुआ है, ये लॉस हुआ हमारा। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली कितना होगा हमारा 32,000, दैट इज अ डिक्रीज ऑफ 3,000। देन आफ्टरवर्ड्स द अमाउंट ऑफ 20,000 इज टू बी नॉट टू बी पेड टू द क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स को 20,000 का पे करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर्स को हमें पे करना रहता है। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,70,000, 1,70,000 के क्रेडिटर्स हैं, इनमें से हमें पे नहीं करना है, कितना 20,000 तक हमें पे नहीं करना है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई, हमारी लायबिलिटी जिम्मेदारी घट गई है,
सो दैट इज बेनिफिशियल। तो अब हमें 150,000 तक ही पे करना रहेगा, सो दैट इज अ बेनिफिट। यहाँ पर बेनिफिट हुआ है हमें। देन आफ्टर लास्ट एडजस्टमेंट 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल्स आर नॉट रिसीव्ड इन द बुक्स। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है दैट हैव टू बी एडेड, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 10,000 है, और इस 10,000 में से हमारे और आउटस्टैंडिंग हम भूल गए हैं, सो दैट इज ऑफ 2,000 दैट हैव टू बी प्लस, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, दैट इज ऑफ अ लॉस। और इनकम रिसीवेबल 4,000 है, हमारे इनकम रिसीवेबल 4,000 है, उस इनकम रिसीवेबल्स के अंदर हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। ओके, यहाँ पर 3,000 है, 3,000 और यहाँ पर है 2,000, सो दैट इज ऑल्सो एडेड। So ultimately you are getting the 6,000 income receivables that too have to be added. अब इसके ऊपर से हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है, सो फ्रॉम दिस वी हैव टू राइट द जर्नल एंट्रीज। सो यहाँ पर जो डेटा दिए गए हैं उसके ऊपर से हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज को भी हमारी बेनिफिट हुआ है और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करना है। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या होगा, दैट हैव टू बी मेक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 70,000 का बेनिफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस क्या, प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर, तो बेनिफिट होता है तब हम क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन को, जब लॉसेस होते हैं तब हम डेबिट करते हैं। ओके, तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस जब आपको आता है तो रिवैल्यूएशन इज आल्सो द सेम एट इज। तो वैसे यहाँ पर जब हमें लॉसेस होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, जब हमें बेनिफिट मिलता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के अंदर है लैंड, फर्स्ट जर्नल एंट्रीज लैंड अकाउंट डेबिट कितना है 70,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 बेनिफिट मिला है। जितना बेनिफिट मिलता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ओके, तो यहाँ पर हमारे रिवैल्यूएशन के अंदर बेनिफिट हुआ है, हमें बेनिफिट मिला है लैंड का और बिल्डिंग का, सो वी हैव टू रिकॉर्ड लाइक दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन के अंदर क्रेडिट साइड पर बाय लैंड 70,000 एंड बाय बिल्डिंग 50,000। ओके, तो इस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है, जब भी बेनिफिट्स मिलते हैं तो हमें क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करने हैं। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया है, उसके एंट्रीज हो गई है। देन नेक्स्ट चीज है मशीन, मशीन में हमें लॉस हुआ है, जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर हमें डेबिट करना होगा। सेकेंड नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना लॉस हुआ है 40,000 का, 40,000 टू किसके थ्रू, मशीन के थ्रू लॉस हुआ है टू मशीन अकाउंट
अमाउंट इज 40,000 और इसकी एंट्री हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर करनी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर उसका सामने वाला नाम लिखना है। ओके, टू मशीन अकाउंट अमाउंट इज 40,000। ओके, तो यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, दैट इज ऑफ सेकेंड एडजस्टमेंट नाउ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 40,000, इसमें से लॉस हुआ है हमें 12,000 का। इन्वेस्टमेंट में जो लॉस होता है सो दैट इज ऑल्सो द लॉस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड वी हैव टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट में कितना लॉस हुआ है, 12,000 का लॉस हुआ है, सो 12,000 वी हैव टू मेक इट ओवर हियर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, बोथ साइड वी हैव टू मेक इट वैल्यू ओवर 12,000। इन्वेस्टमेंट जो हमारा जो भी लॉस हुआ है सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट ओवर हियर एंड इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000। तो ये एंट्री भी हो गई इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज द डेटर्स। डेटर्स की भी जिम्मेदारी होती है सो दैट हैव टू बी मेक। तो यहाँ पर मैडर रिजर्व ये भी हमारा लॉसेस है एंड डिस्काउंट रिजर्व दैट इज ऑल्सो द लॉसेस, सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट ओवर हियर। फोर्थ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मैडर रिजर्व अकाउंट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ओके, तो यहां पर दो क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस जो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, तो कितना लॉस हुआ है 10,000 और 2,000। तो हमारा 10,000 2,000 अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 12,000 वैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना रहेगा। ओके, सो यहाँ ये एंट्री भी हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैड डेट कितना है 10,000। बैड डेट हमारा 10,000 है सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट ओवर हियर एंड टू डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व कितना है हमारा 2,000, वी हैव टू रिकॉर्ड 2,000 ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ है दैट इज ऑफ डेटर्स। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक के अंदर भी हमें लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 3,000, वैल्यू डिक्रीज हो रही है सो वी हैव टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन डेबिट। तो यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। फिफ्थ नंबर जब भी लॉसेस होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और जब बेनिफिट मिलता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। इतना फंडा क्लियर कर लो फिर बाकी का जो भी है वो वहां पर लिखना रहता है। सो रिवैल्यूएशन के सामने क्या है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट कितना लॉस हुआ है हमारा 3,000 का लॉस हुआ है। तो ये पार्टनर्स बेयर करेंगे जो भी लॉस होते हैं बेनिफिट होता है सो दैट अ पार्टनर हैव टू बी मैनेज। तो इसीलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एडजस्टिव। देन दिस एंट्री वी हैव टू मेक इट, स्टॉक में भी लॉस हुआ है टू स्टॉक और इसका 3,000। देन आफ्टरवर्ड्स क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 हमें पे नहीं कर रहे हैं। पे नहीं कर रहे हैं मीन्स क्या, हमारा बेनिफिट होता है लाइबिलिटीज कम हुई, जिम्मेदारी जब कम होती है तो हमें बेनिफिट मिलता है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या करेंगे क्रेडिटर्स। ओके, सो सिक्स्थ नंबर क्रेडिटर्स अकाउंट
रिवेल्यूशन अकाउंट और अमाउंट कितना बैलेंस मिला है 20,000। सो 20,000 की कंप्यूटर रिपोर्ट ओवर हियर। तो रिवेल्यूशन के अंदर इसकी एंट्री हो गई। रिवेल्यूशन के अंदर अगर एंट्री करेंगे तो क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स बाय और अमाउंट इज ऑफ 20,000 क्रेडिटर्स मीन्स हमें बेनिफिट मिला है, क्रेडिटर्स को अब हमें पे नहीं करना रहेगा। सो दैट द वे आउट ऑफ रिजल्ट। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमें नहीं पे करने हैं। सो दैट हैव टू बी द बेनिफिट, सॉरी दैट इज ऑफ लॉस। हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, यहाँ पर लाइबिलिटीज हैव टू बी इंक्रीज। सेवेंथ नंबर में फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है 3,000। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 3,000 और उसके साथ दूसरा है इनकम रिसीवेबल्स। इनकम रिसीवेबल्स में हमारी इनकम अभी आनी बाकी है और वो बेनिफिट होता है हमारे लिए। तो इनकम रिसीवेबल्स कितना बाकी है हमारा 2,000 बाकी है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो हम बेनिफिट क्या करेंगे, रिवेल्यूशन के अंदर क्रेडिट साइड पर करेंगे। तो इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिवेल्यूशन अकाउंट अमाउंट इज 2,000। ओके तो ये एंट्री हो गई। अब इसको रिवेल्यूशन के अंदर ट्रांसफिट करते हैं। रिवेल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखना है, क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके तो यहाँ पर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 और रिवेल्यूशन में क्रेडिट साइड पर लिखना है इनकम रिसीवेबल बाय इनकम रिसीवेबल अमाउंट इज 2,000। अब इनका टोटल करेंगे देन आफ्टर वर्स वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस शीट। यहाँ पर टोटल करते हैं क्रेडिट साइड टोटल इज ऑफ 1,42,000 एंड डेबिट साइड वी आर गेटिंग एक्सेस अमाउंट। ये जो 72,000 अमाउंट है उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है अमाउंट ओल्ड पार्टनर। ये जो पुराने पार्टनर्स जो है उनमें पुराना रेशियो है, हमारा पुराना रेशियो कौन सा था 3:2:1 के अंदर 72,000 को डिवाइड करना है। तो हर एक को क्या मिलेगा 24,000, 26,000 और 12,000, ये उनको बेनिफिट मिला है। मीन्स दैट इज अ प्रॉफिट फॉर देम। तो ये पार्टनर्स का बेनिफिट जो है उनको बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो हमारा ये रिवेल्यूशन हुआ, अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ द श्रीनाथजी ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 2017 आफ्टर रिवेल्यूशन अकाउंट। तो रिवेल्यूशन के बाद का ये अकाउंट बनाया हुआ है, उसके अंदर ये जो प्रॉफिट मिला है राजेश पुष्पा एंड प्रतिभा उनका प्रॉफिट उनमें ऐड करना है। दैट इज ऑफ अ प्रॉफिट 24,000, 36,000 एंड 12,000। सो इनका आउटर कॉलम में होगा 2,24,000, 1,36,000 एंड 2,12,000। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उनका यहाँ पर इफेक्ट देना है। तो हमें पहले यहाँ से ये जनरल एंट्रीज है उसके ऊपर से हम यहाँ पर इफेक्ट देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है दैट हैव टू बी बेनिफिशियल।
यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लैंड में इंक्रीज हुआ है कितना, 70,000। मशीनरी का लॉस हुआ है, सो मशीनरी में डिक्रीज करना है 40,000, सो हो जाएगा 80,000। That is also over. Then investment हुआ है 12,000 decrease. माइनस करेंगे कितना है 10,000, हुआ 40,000। उसके ऊपर डिस्काउंट रिजर्व कितना है 2,000, 2,000, सो अल्टीमेटली आंसर हुआ 38,000। हमारे डेटर्स हुए 38,000 के। दैट इज ऑल्सो ओवर। देन स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यू डिमिनाइज हो रही है, स्टॉक यहाँ पर है डिक्रीज वैल्यू, कितना डिक्रीज हो रहा है 3,000, 32,000 स्टॉक होगा हमारा। देन क्रेडिटर्स के अंदर हमें पे नहीं करना है, 20,000 हमारा बेनिफिट हुआ है, सो क्रेडिटर्स में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 20,000 डिक्रीज, 1,50,000। देन आफ्टर वर्ड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 है, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर है राधाकुमी में प्लस इंक्रीज 3,000, तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 13,000 हो गए हैं। एंड इनकम रिसीवेबल्स 2,000, यहाँ पर इनकम रिसीवेबल्स है 2,000, दैट हैव टू बी एडेड। हमारा जो रिकॉर्ड करना भूल गए थे ये, वी हैव टू रिकॉर्ड इट एंड पुट इट आउट ऑफ साइड 6,000। अब ये सब आउटर कॉलम में सारी अमाउंट रख दी है, अब ये सब का टोटल करेंगे और ये दोनों साइड का टोटल आपको करना रहेगा, और दोनों साइड का टोटल 8,84,000 आएगा, सो दैट बैलेंस शीट हैव टू बी टैली।